हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्षिता चौर शो। मैं हूँ हर्षिता। तो आज तो मैं उठ चुकी हूँ और सुबह के बजे हैं 8। वो तो ना मुझे ना नींद आ रही, क्योंकि रात को ना मुझे ना मतलब रात को ना मेरी नींद नहीं लग रही थी। पता नहीं क्या हो रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो बहुत ज़्यादा लेट सोई हूँ, बहुत ही ज़्यादा। बट आज 11 है, यानी कि तुलसी विवाह, तो आज थोड़ा सा काम ज़्यादा भी रहेगा घर में। इस कारण मैं आज जल्दी, बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी तो नहीं, फिर भी 8 बजे मैं उठ चुकी हूँ। अब कोशिश 8 बजे उठने की थी मेरी कि उठ जाऊँगी, पर मेरी नींद खुल गई थी तो मैं उठ चुकी। नहीं तो शायद लेट नींद, 9 बजे तक तो नींद खुलती ही खुलती, इसलिए मैं उठ गया। मुझे बहुत मतलब मेरी आँखें भी अजीब से लग रही ना, मुझे ना बहुत ज़्यादा मतलब नींद आ रही है, पर मैं उठ गया। अगर मैं अभी सो जाती ना तो मेरी बहुत बहुत ज़्यादा लंबा मेरा नींद खिंच जाता है, इस कारण से मैं नहीं उठी। क्योंकि तो आज 11 से तो आज ना मतलब घर को फिर से साफ करना पड़ेगा, अच्छे से पूरा पूरा क्लीन करना पड़ेगा घर को। मतलब क्लीन तो रहता ही है, पर थोड़ा सा हमारे यहाँ मटेरियल रखा रहता है उसको, और ऊपर जहाँ मैं पूजा करती हूँ वो एरिया साफ करना पड़ेगा। और मतलब अच्छा लगता है। और मैं ही अभी उठी हूँ, आरती सो रही है। मैंने ना लड्डू गोपाल के लिए कल बहुत ही प्यारी ड्रेस बनाई है। मैं आप लोगों से, मैं ऊपर जाऊँगी ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और सारे सारे पगड़ी बनाई है, पगड़ी मैंने ग्लूगन की मदद से बनाई है और मेरे पति देव की मदद से बना पाए। इतनी सुंदर पगड़ी है और कपड़े भी बहुत प्यारे हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगी। और तुलसी जी के लिए मुझे सामान लेना है, उनके लिए कुछ सामान नहीं लेके आई क्योंकि ना मुझे मालूम भी नहीं था कि आज तुलसी विवाह है। कल मैं बाहर ऐवे ही मतलब शाम को बाहर ही खड़ी थी, तो हमारे बीच ऐसी मेरी आरती के बीच बात हुई कि तुलसी का विवाह कब है, तो बोली कल ही तो है। तो मुझे अचानक से याद आया भी अरे कल ही है, अभी 2-3 दिन पहले तो हम लोग आए हैं। और आया तो मुझे थकावट, फिर आने के बाद मतलब बहुत सा काम रहता घर का, और फिर हम लोग गए आए तो उससे मेंटेनेंस बिगड़ जाता है, कपड़े ये वो। तो उसमें ना मैं कल फ्री हुई तो मैं समझी होगा 11 यानी कि तुलसी विवाह, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। कैलेंडर वगैरह में देखा भी नहीं। फिर कल मुझे शाम को पता चला कि तुलसी विवाह मतलब कल है, यानी कि कल रात को शाम को पता चला कि तुलसी विवाह आज है। तो मेरी कोई तैयारी भी नहीं थी, मैंने बहुत कुछ सोचा था तुलसी विवाह के लिए। वैसे पूजा हमारे यहाँ घर पर होती है अच्छे से, मैं भी करती हूँ पूजा। तो फिर मेरे को ना एक चीनी मिट्टी का ना तुलसी पोट लेकर आना था। तो कल मैं बहुत सुंदर तुलसी पोट लेकर आई हूँ। तो मैं तुलसी पोट लेने गई थी ना, बहुत ही मतलब प्यारे प्यारे तुलसी पोट थे, और भी बहुत प्यारे प्यारे पोट थे। और साइज़ वाइज साइज भी देख, बहुत छोटा था, फिर उससे बड़ा उससे बड़ा। बट मेरी नज़र ना एक थोड़े से बड़े पोट में पड़ी, वो पोट बहुत ज़्यादा सुंदर है, मैं उसी को देख रही हूँ। बहुत ही प्यारा पॉइंट है। तो बस उसी पॉइंट को ना मैं धुल के उसमें तुलसी जी लगाऊंगी। और तुलसी जी के लिए मुझे कुछ मटेरियल लेना पड़ेगा, दुपट्टा और चूड़ियाँ वगैरह, ये सब कुछ तुलसी जी के लिए ले लूँगी। और भी जो पूजा का सामान रहता है, फिर मैं बालकनी में पूजा करती हूँ तुलसी जी, क्योंकि तुलसी जी मेरी यहाँ वहीं रखी रहती हैं और एक नीचे गार्डन में लगी हुई है। तो वॉलकनी को मेरे घंटे बहुत ज़्यादा फैला दे, क्योंकि जो वॉलकनी मैंने से डेकोरेशन किया था वॉलकनी, वो सब कुछ मैंने हटा दिया है। प्लांट वगैरह मैंने नीचे रख दिए हैं और कुछ प्लांट घर में यहाँ कॉर्नर पर रख दिए हैं। तो वॉलकनी पूरी प्लान हो चुकी, तो मेरे ग्रंथ की ना मैंने टॉय रख दी, तो उसमें ना पूरे उसके टॉय वगैरह फैले रहते हैं। तो उस वॉलकनी को भी थोड़ा सा समेटना होगा और वहाँ पर अच्छा सा पहुँचना होगा, मतलब पूजा का एरिया बनाना होगा उस वॉलकनी का। और मेरे को ना मेरा जो तुलसी पोट मुझे नींद आ रही, तुलसी जो पोट ना मुझे बहुत ज़्यादा वाला पसंद है, मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ, ठीक है। इसके बाद ना मैं चाय बनाऊँगी अपने लिए, मैं चाय पी के फिर मैं आगे का काम करती हूँ। तब तक मैं आप लोगों को तुलसी पोट दिखाती हूँ।
तो ये है वो पॉट जो मैं लेकर आई थी। ये पॉट मुझे बहुत सुंदर लगा। वैसे इसके साइज़ के बहुत छोटे छोटे पॉट भी थे, बट वो वाइट कलर में था और एक थोड़ा अजीब सा कलर था, मटमैला वाइट था। बट मुझे ना एकदम से नज़र ना मेरी इस पे पड़ी है ना, मुझे बहुत सुंदर लगा, बहुत प्यारा लगा, तो मैंने इसको ले लिया। इसका प्राइस 500 है। एक्चुअली अब ना मैं सोच रही हूँ तुलसी जी का जो मैं न्यू प्रोडक्ट लेकर आई थी उसमें ना तुलसी जी को लगवा देती हूँ, और जहाँ मैं तुलसी जी की पूजा करती हूँ मैं नॉर्मल पूजा चुके हैं वॉलकनी में जहाँ हम पूजा करेंगे। और ये तुलसी जी और ये पॉट बहुत पुराना है, तुलसी जी तो यही रहेंगी, बस पॉट चेंज हो रहा है, तो इसलिए मैंने मतलब मन था मेरा न्यू पॉट लेने का, तो मैंने ले लिया। तो अब ना मैं मेरी वॉलकनी में इस वाइट कलर के पेंट से मैं ना बेल पत्ती वगैरह बना रही हूँ। ये सब मुझे बनाना बहुत अच्छा लगता है, बट पता नहीं क्यों दिवाली में तो आइडिया नहीं आया मुझे इसका, वो देर से ही सही पर आया। तो इसके बाद मैंने डगार वगैरह में जो बेला वगैरह रहती है ना वो सब मैंने बना दी हैं। इसके बाद अब मैं पत्तियाँ बना रही हूँ। कोशिश तो मेरी ये थी कि मैं इनको ग्रीन कलर से पत्तियों को पेंट करूँ, बट इतना टाइम नहीं था, और टाइम के साथ साथ ग्रीन कलर था बट इतना नहीं था कि सबको हो जाता, तो फिर मैंने वाइट से ही रहने दी। फिर मैंने सोचा कि मैं रंगोली उससे पत्तियों को ग्रीन कलर से उनको फिल कर दूंगी, बट टाइम नहीं मिल पाया तो ऐसा ही हुआ। बट मैं आपको बताती हूँ कि इतना अच्छा लगा ये वॉलकनी में वाइट कलर के पेंट से बेल पत्ती बनाने, मतलब एक ना दिल ना खुश सा हो गया। ऐसे कभी कभी होता है ना, कुछ चीज़ हमारे हाथ की इतने अच्छे तरीके से हम लोग बना लेते हैं और इतना अच्छा लगता है उस चीज़ को देख कर, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मुझे भी वैसा ही लगा। इसके बाद मैंने सोचा है कि मैं इसी पेंट से रंगोली बना लूँगी, उसके ऊपर मैं रंगोली का कलर कर दूँगी, फिर ऐसे ही सिंपल रही आएगी। मतलब कलर तो हमेशा के लिए रहता नहीं रंगोली वाला। तो मुझे ना ये बेल पत्तियाँ बहुत अच्छी लगी बनाना। आप लोगों को कैसी लगती हो, कैसी लगी मेरी ये बेल पत्ती, प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसके बाद मैं ना पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो मैंने पूरी पत्तियाँ बना ली हूँ और बेल पत्ती दोनों सब कुछ बढ़िया बना ली हूँ। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसी लग रही है। आप लोग पता है मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही, मन कर रहा बस यहाँ बैठ के मैं उनको देखती ही रहूँ, पर ऐसा संभव नहीं है, बहुत सारे काम भी करना है। हे गाइस, तो शाम हो गई, पता मैं ना मार्केट गई थी कुछ सामान लेने के लिए, पर मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं वहाँ का ब्लॉग भी बना लेती, कहीं याद नहीं रहता ना। अब मैं आई, अब घर आ गई हूँ। अब ना मैं जहाँ पूजा करूँगी मैं सिंपल पूजा करती पहले बोल देती हूँ, मैं गन्ना वगैरह नहीं, क्योंकि वो तो सब कुछ नहीं हो पाता है, तो मैं रंगोलियाँ वगैरह बना लेती हूँ। बहुत अच्छा मौसम आप लोग। तो ये वाला है एरिया जहाँ पर मैं करने वाली हूँ पूजा, एंड मौसम भी अच्छा है। वैसे 4 बजा हुआ है और ये रंगोली मैंने बना ली है और कुछ ये आरती ने बना ली है, तो हम दोनों ने दोनों मिलके बनाई है, फिल कोई भी कर रहा है, ठीक है। मतलब दोनों साथ में करते हैं, तो ऐसा नहीं रहता कि ये इसने ही किया इसने किया, हम दोनों मिलके करते रहते हैं। इसके बाद हमारी रंगोली ने ये हम लोगों ने तुलसी जी बनाते हैं तुलसी जी वाली रंगोली बनाई है, एंड साइड में ना मैंने वाइट कलर के कलर से ही रंगोली बनाई है, क्योंकि उसके ऊपर कलर डाल देंगे बट रंगोली कलर तो मतलब झड़ जाएगा, उसके बाद ना वो वैसी ही रही आएगी इस कारण से। तो ये हमारी तुलसी जी का पोर्ट और तुलसी जी वाली रंगोली बन चुकी है, और एक तुलसी जी वाली रंगोली कंप्लीट हो गई है। इसके बाद मैं दूसरी तुलसी जी की रंगोली कंप्लीट कर लेती हूँ। इतने में आरती जो कुछ मटेरियल लेने गई है पूजा का, कुछ छूट गया था तो मैं बोली जब तक तुम वो लेकर आओ। तो ये ना मैंने दुपट्टा बनाया है येलो और रेड, इसका मतलब तो आप समझ गए ही होंगे कि मतलब क्यों बनाया है और क्या तरी मतलब क्या है इसका एक्चुअल रीज़न बनाने का ऐसा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये रेड दुपट्टा तुलसी जी का है और येलो जो उनके पति देव का है, ठीक है। अच्छा लगा मुझे ये थोड़ा सा, तो मैंने सोचा ठीक है बना देती हूँ, ट्राई करके देखती हूँ। बस मैं हर साल बनाती हूँ, बट मैं पहले ब्लॉग्स वगैरह नहीं बनाती थी तो कभी इतना वो नहीं किया। हाँ, इंस्टाग्राम में ज़रूर डला हुआ है मेरे, मैं फ़ोटो वगैरह सब डाल देती थी इंस्टाग्राम में। तो ये रंगोली भी कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। ये रंगोली ना मैंने डिस्टेम्पर से मतलब वाइट कलर से जिससे मैंने बनाया सब कुछ उससे मैंने बना दिया। इसके बाद ना मैं कलर से रख देती हूँ, कलर से कंप्लीट कर देती हूँ, ठीक है।
उसके बाद फिर मैं सोचती हूँ, देखती हूँ क्या करना है रंगोली का भी, कुछ जो भी करूँगी मैं आप लोग को बताती हूँ। मैंने ये भी सोचा है कि इसमें ना पेंटिंग कलर ला के इसको पूरा पेंट कर दें, अब देखते हैं टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो पाता है। ठीक है, तो फटाफट ये रंगोली भी कंप्लीट करते हैं और फिर मिलते हैं तैयार होकर पूजा करने के लिए। ओके, तो मैं अभी रेडी नहीं हुई हूँ, बट तैयारी पूरी हो चुकी है, रंगोली बन रही है, एंड ग्रंथ हो चुका है मेरा रेडी। इसके बाद मैं रेडी होती हूँ, मैं ना आप लोगों को रंगोली बाद में देखूँगी। तो हो चुकी हूँ मैं भी रेडी, मैंने मेरी स्नेट की साड़ी पहनी हूँ, ब्लाउज कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मेरे पास एक टी शर्ट रखी थी, उलन टी शर्ट रखी थी, मैंने उसके साथ वेयर कर ली हूँ। थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है, बट आप लोग बताइएगा ये जो लुक है और ये जो अच्छा कैसा लग रहा है वाला साड़ी के साथ, ये वो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। एंड पूजा की तैयारी पूरी हो चुकी है, आप देख सकते हैं रंगोली, और मेरी बालकनी कितनी सुंदर लग रही है। वो ये है मेरे लड्डू गोपाल जी, जिसके मैंने कपड़े रात को बनाए थे, मुझे कपड़े पगड़ी लड्डू गोपाल सब बहुत सुंदर लग रहे हैं, और साथ ही साथ में तुलसी जी का वर्ड, तुलसी जी मतलब बहुत ज़्यादा ना खुशी हो रही है, सब कुछ जो ऐसा सोचा था सब कुछ वैसा हुआ, सब अच्छा अच्छा हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये हमारी पूजा होने वाली है स्टार्ट, पता है मेरे साथ में क्या हुआ, अब आप लोग आगे कुछ क्लिप्स देखेंगे उसमें मैं पूजा करते हुए नहीं दिखूंगी, क्या हुआ मेरे साथ में, मेरा ग्रंथ आ गया ये। तो पूजा भी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, मतलब पूजा तो हो ही चुकी है, मैंने कर दी थी पूजा, पर आरती से बोल, मतलब हमारे यहाँ क्या होता है कुछ भी पूजा होती है सब लोग करते हैं थोड़ा थोड़ा, चाहे ग्रंथ हो उनके पापा, मतलब ग्रंथ नहीं, ग्रंथ के पापा हो, मासी हो, मामा हो, जो भी हो सब लोग पूजा करते हैं। और ये है मेरी रंगोली, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या बात है। बात ये है कि जब मैं पूजा कर रही थी, पर फर्स्ट पूजा तो मैंने की थी, तो जिसको मैंने बोला था वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, उन्होंने वीडियो का कैमरा चालू कर लिया था, बट वीडियो मतलब वीडियो ना रिकॉर्ड नहीं की थी, मतलब उनको लगा कि कैमरा चालू हो गया और उन्होंने ना क्लिक करना भूल गए हो गया, ध्यान नहीं रहा हो, क्योंकि तो सग्रम भी परेशान कर रहा था तो नहीं देख पाए, और मतलब उन्होंने मोबाइल रखा रहा, वो देख कैमरे में नहीं रहे थे, पूजा देख रहे थे, रियल की पूजा देख रहे थे, तो मेरी ना वीडियो सी नहीं बन पाई। फिर लास्ट में मैंने देखा और बाद में देखा क्या अरे मेरा तो वीडियो ही नहीं, फिर मैंने पूछा कि लग हो सकता शायद मैं क्लिक करना भूल गया, थोड़ा सा बुरा लगा था, पर कोई बात नहीं, कभी कभी क्या हो जाता है, पूजा में ध्यान था, और फिर मैं किसी को फोल्स करके भी बोलती हूँ कि प्लीज़ वीडियो बना दो, तो इतना मैं वो नहीं कर सकती हूँ, कोई बात नहीं, मैंने पूजा की है, ज़रूरी नहीं कि रिकॉर्ड हो। और ये मेरी पूजा की थाली तैयारी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, येलो येलो सब कुछ ना, दिया लाइट सब कुछ बढ़िया, और लड्डू गोपाल तुलसी जी की उनकी हो चुकी है पूजा, सब कुछ कंप्लीट होकर इसके बाद हम लोग करेंगे आरती। तो मैंने दिया जला रही थी, दिया का फिर भी वीडियो बन गया, चलो अच्छा है, थोड़ा सा यही ठीक है ना, मतलब तो प्लीज़ आप लोग ना मेरे को कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आप लोगों को क्या अच्छा लगा, तुलसी जी का पोल कैसा लगा, गल्टू गोपाल कैसे लगे, रंगोलियाँ कैसी लगी, और तो जो भी चीज़ अच्छा लगता हो तो प्लीज़ बताना, प्लीज़ प्लीज़ बताना, मुझे ना बहुत ज़्यादा। गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा। तो हमारी पूजा हो चुकी है, है मैंने और आरती ने मिलके हम दोनों ने पूजा कर ली है, और अब हम लोग दिया भी कई जगह रख चुके हैं, अब बस फटाखे फोड़ने की बारी है, अब लोग पटाखे फोड़ेंगे। अरे यार ये क्या है, अरे यार तो हम लोग ना फटाके फोड़ते फोड़ते थोड़ा हमारी कॉलोनी में घूमने निकल गए, सब जगह इतने प्यारे प्यारे फटाके फूट रहे हैं, मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना, और लाइट घर ये सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हम लोग ना टहल रहे हैं बालकनी वो कॉलोनी में हमारे, और ये मेरा ग्रंथ कहाँ गया, इधर आ गया। हाय करो, 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 हाय
हेलो हाय करो हाय तो करो हेलो करो कर लो प्लीज। तो ये है मेरा घर। तो आज का जो दिन था बहुत ज़्यादा एंजॉय किया आज हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आता तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू बाय।